बाजरा खाते हैं तो शुरू शुरू में तो सारा जो रोटी वगैरह भिगाई हुई थी अब इसमें डाल देते हैं ताकि इसमें कबूतर और तो ना, इनकी क्या बात है यार, क्या बात है इनकी, क्या ही बात है। चलिए है कि हमने सूरजमुखी इसमें इंक्लूड कर दिया और हमने इसमें इसका स्टांस देखा कितना जबरदस्त, मतलब क्वालिटी में ये बहुत अच्छा है। बस ये थोड़ा सा बीमारी से हमारी शैतान कबूतरी ऊपर चली गई थी, अपने अंडों पे दोबारा आ गई, ये हमारी मलका भी नीचे आ गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खैरियत से होंगे, खुश खुरा होंगे और दुआ में मुझे ज़रूर याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों, मैं आ गया अपने शॉर्ट मिनी ज़ू के अंदर, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले बाहर जो है जंगली को दाना सारे कबूतर जो है ना, आज मैं आपको टोटल हमारे कबूतरों का रिव्यू भी दूंगा भाई, कबूतरों का रिव्यू भी दूंगा। आज मैंने करना ये है भाई कि जो हमारा रेड टेल लगा है ना, उसको शुरू में दाना नहीं खिलाऊंगा, रोजाना में उसको शुरू में दाना खिलाता हूँ। आज मैं इन लोगों को दाना वाना खा लेंगे ना, जब बंद करने का टाइम होता है उस टाइम पे मैंने उसको देखना है कि भाई वो दाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो उसके बाद फिर उसको बंद करेंगे। कि माशाल्लाह तो पूरी फैमिली फुल एकदम तफरीहों में रहती है, फुल मस्तियों में है, दाना खाने का टाइम है, इन सबको दाना वाना डालते हैं यार। जावा हमारे देखें आप, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, नेस्टिंग उन्होंने इतनी शानदार कर दी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको ज़्यादा छेड़ूँ ना, टेल लगा कि ये मादी आएगी है भाई, इसके लिए मैं ना ढूंढना है। और वो बाहर वाला जो केज है ना, वो अब तक रह गया, इतने दिन हो गए हमने उसका अभी तक कुछ भी नहीं करा यार, ऐसा थोड़ी होता है, वो इतना लेजी चल रहे हैं हम, इतना लेजी। असल में ये जो बर्ड्स आ गए थे ना, हम इनमें लग गए थे, इसके चक्कर में हम बाहर वाले केज की तरफ हमें ध्यान ही नहीं रहा। हमारे डॉन की जो मादी है ना, उसने दोबारा से माशाल्लाह से अंडा दे दिया, लास्ट इसके अंडे जो होते ना अनफर्टाइल होकर खराब हो गए थे, तो मैंने हटा दिए थे, तो माशाल्लाह से देखें कुछ ही दिनों में इन्होंने अंडे दे दिए। मौसम सीजन हुआ हुआ है भाई ब्रीडिंग का, अब देखते हैं भाई कौन ब्रीड करता है कौन नहीं करता। कोशिश तो ये इनकी देखें माशाल्लाह से आती आती रहती है, ये भाई बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, इनकी जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये जो बर्ड छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, इनकी क्या बात है यार, क्या बात है इनमें, इनकी क्या ही बात है भाई, दो दो ये मेरे। अब क्या करते हैं, हम अपने फैंसी कबूतरों को दाना डालते हैं, उससे पहले इन सब का दाना पानी चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर ये कि इनको दाना खिलाएंगे। तो चलाएं 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 जल्दी से भाई, इनको दाना पानी चेंज करें, कबूतरों को भी फिर ये है कि हम देखें यार, कबूतर बेचारे बोल रहे होंगे जब से ये आए आप तो हम पे नजर ही नहीं मारते। ऐसा नहीं है यार, तुम लोग तो हमारी पक्की जान हो, तुम लोग तो पक्की जान हो, तुम सबको नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे, तब देखें नीचे भी आना स्टार्ट हो गए। तो चले भाई दोस्तों, मैं दाने की सेटिंग करके इनको पहले दाना डालूं, पानी का मैं भर के ले आया था। मैंने क्या करा, इन सबको मैंने दाना पानी डाल दिया, इनको सबको डाल दिया, जिससे भाई देखें जावा की पोर्शन में भी देखें नया पानी आ गया, और ये दाना इसका हमने कर दिया, और ये इसमें भी देखें माशाल्लाह से। देखें ये बड़ा वाला जो बच्चा है ना, ये मैं आता हूँ तो मेरी तरफ आने की कोशिश करता है, दो तीन दिन से मैं इसके साथ लगा हूँ ना, इनका भी पानी चेंज कर दिया, इसका भी डाल दिया। फिशर साहब अपने अंदर ही बैठे में नजर भी नहीं आ रहे, वो अंधेरा हो रहा है, तो सीन था कि भाई इन सबका तो हमने दाना डाल दिया, अब बाकी रहा कबूतरों का, कबूतरों के दाने को थोड़ा सा मैंने चेंज करा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो कबूतरों का दाना है ना, इसको चेंज करा है, पहले जो हमारा दाना था ना, इसमें सिर्फ हम बाजरा और चने डाल देते हैं, अब मौसम चेंज हो गया ना, मौसम चेंज हो गया है तो हमने करा क्या है, सर्दी के लिए हमने चेंजिंग ये करी है कि इसमें सरसों ऐड कर दिए और हमने सूरजमुखी के बीज ऐड कर दिए, तो जैसा मौसम होता है ना उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अभी जैसा मौसम चल रहा है इसमें ये है, गर्मी में ये होता है बंदा सिर्फ बाजरे, कुछ लोग सिर्फ बाजरा भी खिलाते हैं, कुछ लोगों का ये होता है कि भाई उसके साथ वो बाजरे के साथ चना खिला देते हैं, कुछ लोग गंदम वगैरह भी खिलाते हैं, तो मोस्टली जो मैं मेरी कोशिश तो ये होती है बाजरा और चना खिलाया जाए और कभी कभार कोई सॉफ्ट फूड वगैरह इनको दे दिया जाए। लेकिन अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो सर्दी के लिए हमने करा ही है कि भाई इसमें जो है एडिशनल जो चीज़ें हमने स्टार्ट अपने बाजरे में, मतलब अपने जो कबूतर का दाना है उसमें करी हैं, वो ये करी हैं कि हमने सूरजमुखी इसमें इंक्लूड कर दिया और हमने इसमें सरसों के बीज जो होते हैं ना, छोटे छोटे सरसों होते हैं, वो उसमें ऐड कर दिए। तो भाई सीन ये है कि कबूतरों का दाना हमारा ये इस सर्दियों के पूरे सीज़न हम यही चलाएंगे। लोग जो है ना मिक्स दाना चलाते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनके लिए नुकसानदेह होती हैं, वैसे तो वो भी लोग खिला रहे हैं, काफ़ी खिलाते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो इनके लिए नुकसानदेह, जैसे गंदम की जो जाती है ना, वो कबूतर का जो अंदर का जो कोटा वगैरह होता है ना, उसको खराब कर देती है। तो भाई हमें ये चीजें भी मद्देनजर रखनी पड़ती हैं कि भाई किस सीजन में क्या खिलाया जाए। आपके कबूतर हेल्दी हैं तो इसका मतलब ये कि आपकी डाइट भी सही चल रही है, और कबूतरों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दाना नहीं खिलाते, मतलब ऐसा नहीं है, बच्चे जब हों तो आप भर के खिलाएं, एनी टाइम कबूतरों का दाना भर के नहीं होना चाहिए, सुबह और शाम दो टाइम बस हमने दाना डालना होता है, सुबह इतना दाना डालें कि भाई जब उनका पेट वेट भर जाए तो बचा रहे, शाम में इतना दाना डालें कि पेट वेट भर जाए तो थोड़ा बहुत बचा रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि दिन भर पड़ा रहे। उससे क्या होता है, पहले मुझे आइडिया आया शुरू शुरू में, जब तकरीबन दो साल ढाई साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, जब मैं नए नए कबूतर लाया था ना, एनी टाइम दाना डालता तो मेरे कबूतर ही होता था बीमार होने लग गए थे, तो फिर एक साहब ने मुझे बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, आपने कबूतरों को दाना जो है ना नॉर्मल तरीके से खिलाना होता है, पूरे दिन दाना पड़ा रहेगा वो खाएंगे उनका मैदा खराब होगा और फिर उनका पोल्टा जाम हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से जाती है। तो चले आप कबूतरों को दाना डालते हैं, रेड टेल जो नर है हमारा वो देखो ऊपर बैठा हुआ है, उसको जो है हम फिर एंड में खिलाएंगे। कबूतर आ जाओ जल्दी से, आ जाओ 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 आ जाओ। भाई हमारे कबूतर जो है नीचे आने स्टार्ट हुआ है, वो ब्लैक वाले एक ऊपर है, ये एक हमारा रेड टेल नर, नर तो थोड़ा सा नहीं खाता दाना खुद ही, तो इसलिए हो सकता है ना भी आए,
लेकिन आ जाएगा आ जाएगा। देखिए अब नीचे सब आ रहे हैं ना, तो उसको भी पता चलेगा नीचे और क्या रहे। इसका स्टांस देखिए आप इतना जबरदस्त, मतलब क्वालिटी में ये बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा सा बीमारी से मार खा रहा है। बीमारी क्या, बेसिकली खाना नहीं खा रहा है। ये देख रहे हैं आ गया नीचे, आ गया आ गया भाई आ गया। ये देखें भाई सब दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। बाहर मैं दाना डाल चुका हूँ तो मुझे ऐसी कोई टेंशन है नहीं कि भाई जंगली कबूतरों के लिए अपने जो आज़ाद जंगली कबूतर हम कहते हैं, बेसिकली तो आज़ाद कबूतर हैं, लेकिन चले भाई जंगली कबूतर तो आज़ाद कबूतर बात तो एक ही है ना भाई, बात तो एक ही है। तो अब ये देखें मैं इनको ये सब हम दाना डाल रहे हैं, ये सब अपना दाना खाते रहेंगे। तो ये शहजादा शहजादी है। अब ये है कि हमें इनसे बड़ी होप से कि जल्दी से ये ब्रीड करें, लेकिन अभी तक ये ना मूड में आए हुए नहीं है। बंद भी कर रहा हूँ मैं इनको। डॉन पुराने कबूतर है, कबूतरी पुरानी है, वो एकदम सेट है। ये लोग अभी बच्चों से बड़े भी हो रहे हैं, और बाकी जो नए लाए हैं वो तो फिर नए होते हैं ना, उनको माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फैंसी में वैसे भी टाइम लगता है। वो जो डॉन और डॉन की कबूतरी ना, वो फैंसी में नहीं आते, वो मतलब गोले कबूतरों में आते हैं, तो वो जल्दी ब्रीड करते हैं। बड़े बड़े फैंसी कबूतरों के बड़े नखरे होते हैं भाई, इनको जगह पसंद आएगी तो ये ब्रीड करेंगे, वरना नहीं करते भाई, नहीं करते, सालों हो जाते हैं नहीं करते। शहजादा शहजादी तो हमारे घर में बड़े हुए हैं, ये दोनों तो हमारे घर में ही बड़े हुए हैं, छोटे छोटे से पिद्दे से बच्चे थे, इतने छोटे छोटे से बच्चे थे, अब ये माशाल्लाह से बड़े हुए हैं, रिदम में तो आ रहे हैं। अब देखें क्या सेटिंग में बनते हैं। और बाकी दुआ करिएगा भाई, जैसे हमारे बजरी ने माशाल्लाह से बच्चे निकले हुए हैं, तो इनके बच्चे ये दाना वाला तरीके से खिलाएं, हेल्दी रहें और हेल्दी भी रहें, और क्या कहते हैं फिर उसके साथ जो है ना दोबारा से मादी वगैरह अंडे दे। हमने माशाल्लाह से अच्छी नस्ल बनाई हुई है, तो उम्मीद ये है कि भाई जावा भी जल्द से जल्द यानी कि अंडे देने की सेटिंग में आ जाएगा। उम्मीद तो ये है कि मुझे कि भाई इस वीक में या अगले वीक में इंशाल्लाह ये दे देगा, क्योंकि मैंने नया सिस्टम बहुत अच्छा बना लिया है। बाकी हमारे फिशर का तो अभी देखें फर्स्ट टाइम में लाए, उसका तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। और दूसरा ये वो लाओ, वो तो अंदर ही बैठे रहते हैं भाई, वो सिर्फ खाना खाने बाहर निकलते, दोनों अंदर बैठे रहते, अंदर क्या करते हैं पता नहीं। ज्यादा ऐसी बात है, नए बर्ड्स हैं तो ज्यादा मैं कैमरा वगैरह लेके जाऊंगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको आज जो इसकी क्या कहते हैं जावा की नेस्टिंग भी इतनी अच्छी खास नहीं दिखाई। उसकी वजह ये है कि भाई नया बर्ड्स है, और अभी उसका फर्स्ट टाइम वो अगर अंडे देता है या जो भी ये देता है या नहीं देता, वो एक अलग बात है। मतलब फर्स्ट टाइम उसने अपना जो घोंसला वोसला ये वो बना के नेस्टिंग वेस्टिंग बनाई है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ताकि एक आध ब्रीड आ जाती है ना, उसके बाद फिर बर्ड्स आपका और आपके घर का और आपकी शक्ल का आदि हो जाता है ना, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं करता। फर्स्ट ब्रीड में तंग करूँगा तो फिर कभी कभार ऐसा होता है वो फिर ब्रीड करता ही नहीं है। कबूतरों का सीन ये है कि भाई आपके सामने देखें, उसको देखें जो हमने देखना था लका रेड टेल का, वो तो साहब जो है ऐसा कोई दाना नहीं खा रहे। आज ये था कि सुबह वाले में मेरे से दाना ज़्यादा डल गया था, तो इसलिए इतने ज़्यादा ये लोग मूड में लग भी नहीं थे मुझे दाना खाने। खा रहे सब हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं आपको बताया ना कि इसमें जो हमने एडिशन चीज़ें करी थी ना, जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया और चना हो गया, चना तो खैर होता ही है, ये वो चीज़ें सबसे पहले खाते हैं, बाजरा एंड तक पड़ा रहता है। अब एंड में क्या होता है, फिर बाजरा खाते हैं। तो शुरू शुरू में तो सारा जंग एकदम से आप देखते होंगे, जब मैं दाना डालता हूँ जब एकदम सारे एकदम आ जाते हैं ना, उसकी वजह यही होती है कि जो मेन दाना होता है ना उनका वो पकड़ना होता है। डॉन की कबूतरी भी बाहर आई हुई है, उसने एक अंडा दे दिया, एक अंडा हो सकता है ये आज रात में दे दे या कल दे दे, किसी टाइम पे ऐसे ही होगा। बराबर वाले हमें पोर्शन में चले जाना चाहिए मिनी जू के, और भाई कोशिश करके ना जल्दी से हमें चाहिए कि भाई हम कबूतरों के लिए एक अलग केज बना दें, ताकि हम और बर्ड्स लेकर आएँ, ताकि हम अपने मिनी जू में और बर्ड लेकर आएँ। हमारे शहजादे को देखें हमारे, और ये वाले जो कबूतर है ना, जल्दी मेरी कोशिश ये कि भाई ये भी थोड़ा सा जल्दी से अंडों पर आ जाएँ। मुझे लग तो रहा है कि भाई जोड़ा था इनका लग गया है अब, लेकिन क्या है कि भाई बाहर मौसम थोड़ा सा ऐसा है ना, तो ये माहौल में एडजस्ट पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, ये अभी समझ नहीं आ रहा मुझे। बाकी हमारा वो लड़का पेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन नर का सीन ये है कि भाई चाचा खुद खाना खाते ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम इन पर रिलायबल नहीं कर सकते। अब मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला है कि भाई मुझे जो है ना इसके लिए मेल चाहिए, इस फीमेल के लिए, देखते हैं अगर अवेलेबल हो गया जल्दी मिल गया तो हम ले लेंगे। वैसे अगर इनका जोड़ा लग जाता ना, तो ये एक दूसरे के साथ भी नाना देखे माशाल्लाह से देखे ना गुटक रहा है, अगर इनका जोड़ा लग जाएगा ना, तो ये भी होता है कि फिर ये मादी को देखते ना खाने वाने की सेटिंग में आ जाएगा। वैसे सही है ये, एक मतलब बीमार उसको उस तरह से बीमार नहीं है कि बीमार है, एकदम ओके की रिपोर्ट है, बस इसका सिर्फ ये है कि खाना जो है ना वो नहीं खा रहा है। वो भी इंतजार कर रहे होते हैं, वो बेचारे भी इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई हमारी बारी कब आएगी, तो आ गई तुम लोगों की बारी, बस आ रहे हैं। सवा रोटी वगैरह भिगाई हुई थी, अब इसमें डाल देते हैं, ताकि इसमें कबूतर और तो कौवे हो गए जो भी खाना चाहे ना तो वो आके खा सकते हैं। तो ये भिगाई हुई थी, तो फुल तरीके से भीग भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आते हुए भिगा दी थी। सेट है, ओके की रिपोर्ट है। इसमें से जो जिसका दिल करेगा वो खाएगा, मना नहीं है। बाहर वाले खाने का ये होता है कि जैसे हमारे बाहर वाले कबूतर हो गए, कौवे हो गए, या एक्सपायरी डेट जिसका भी दिल चाहता है वो आके खाए, थोड़ा बहुत दाना बाहर डालना जरूरी है। जरूरी है यार, जब आपने बर्ड्स पाले में तो आपका फर्ज बनता है कि आप थोड़ा बहुत दाना बाहर भी डालें। अब ये देखें ये साहब आना स्टार्ट हुआ है, कल जो है ना लाल शिराली साहब, ये फौरन से पहले हमारे पास ही आ गए, हमारे पास ही आ गए। ये देखें अगर मैं दाना नहीं डालूंगा ना तो ये और करीब आ जाएगा। ये देखें ये दाना मैंने बाहर रखा है, अब ये देखते देखते ना देखते देखते आ जाएगा मेरे पास ही आ जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें इसको, ये तो पक्का है दोस्त है मेरा, ये तो दाना खाने लग जाएगा। अब ये आया ना तो हो सकता है और भी कोई आया,
वाह भाई वाह जबरदस्त। व्हाइट वाला भी आ रहा है, आ जाओ आ जाओ। व्हाइट वाले हुए हुए डर के भाग गया। उसका इशू है ये चार दफा मारता है तो एक दफा दाना उठा पाता है। आ जाओ तो ये देखें भाई, ये देखें, ये शैतान कबूतरी ऊपर चली गई थी अपने अंडों पे, दोबारा आ गई। ये हमारी मलका भी नीचे आ गई और दाना ये अब डाल खाते रहेंगे। उनको देखें, नदीदों को देखें, नदी इन नदीदों को देखें, वहाँ से ना ये दाना डल रहा है यहाँ पर आ रहा है। तो आपके पास डला हुआ तो है, खाओ ना। ये लो भाई, चलो आओ ये लो। अरे दाना वगैरह हो गया कंप्लीट, सबको डाल चुके हैं, दाना पानी वानी सब हो गया, बाहर अंदर सब जगह हो गया है। बस सिर्फ सीन ये बचा है कि रेड टेल को हमने दाना खिलाना है, तो उसको मैं एंड में एकदम एंड में ये देखें, ये हमारे बाहर के जंगली भी आ गए। तो भाई इनका दाना, और इनका दाना नीचे भी डाल देता हूँ, मैं डाला था खत्म हो गया, थोड़ा और डालता हूँ। ये दाना खा लें, थोड़ी देर में वेट करता हूँ, उसके बाद मैं उसको खिला के बंद कर दूंगा इनको बॉक्सेस में। तो चले दूं मैं आके, दोबारा से मैंने नजर मार ली, सब दाना खा रहे हैं, वो सब एकदम एक्टिव है। तो भाई दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो का हम करते हैं एंड, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे और मुझे दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे और अपने से रिलेटेड सबको दुआ में याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में जाके ये बताइएगा कि आपको हमारे बर्ड्स में कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और हमें जो है एक्स्ट्रा बर्ड्स अब और कौन से लेकर आए या इनमें से किसी को हटाना है तो भी बताएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कल। जब तक के अल्लाह हाफिज, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक 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 के बाद। अरे हल्दी बर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।